बीते 50 वर्षों से नाक कान गला विभाग के डॉक्टर के एन मिश्रा मरीजों का इलाज पूरे समर्पण और सेवा भाव से कर रहे हैं। डॉक्टर के एन मिश्रा सन 1973 में जब इस विभाग में प्राइवेट प्रैक्टिस करने आए, उस वक्त तक इस विभाग में कोई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं था। आग के डॉक्टर ही नाक कान और गले के रोग का इलाज करते थे। डॉक्टर के एन मिश्रा इस विभाग के पूरे पूर्वांचल के पहले प्राइवेट प्रैक्टिस में हुए। नाक कान और गले के विभाग में जनरल बीमारी के इलाज के साथ जटिल जटिल ऑपरेशन की शुरुआत भी पूरे पूर्वांचल में पहली बार डॉक्टर के एन मिश्रा ने किया। पहला बड़ा ऑपरेशन कान के प्रत्यारोपण का था, जो माता अन्नमयी अस्पताल में किया गया था। तब से लेकर आज तक अनवरत इस विभाग में मरीजों का सफल इलाज डॉक्टर के एन मिश्रा कर रहे हैं। उनके प्रैक्टिस के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उनके अपने चाहने वालों ने उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रेलवे अधिकारी क्लब DRM ऑफिस के पास लड़तारा वाराणसी में किया। कार्यक्रम में शहर के जाने माने डॉक्टर विडी तिवारी ने उनकी कर्मठता, ईमानदारी और मरीजों के प्रति निष्ठा की बात कही, तो वहीं डॉक्टर BMD गुप्ता, डॉक्टर SP गुप्ता ने शुरुआती दिनों के प्रैक्टिस की उन दुश्वारियों को याद किया जिसको पार कर डॉक्टर के मिश्रा पूर्वांचल में मरीजों की सेवा कर सके। कार्यक्रम में श्रावण बनारसी और SP मिश्रा ने भी डॉक्टर साहब के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। इस मौके पर डॉक्टर के एन मिश्रा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 50 वर्षों की प्राइवेट प्रैक्टिस की सफर में उनके सहयोगी रहे शिवजोत शास्त्री को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर VD तिवारी, डॉक्टर BMD गुप्ता, डॉक्टर SP गुप्ता, सुदामा पांडे, श्रावण बनारसी और SP मिश्रा के साथ शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। 4 साल पूरा हो गया, उसमें हमारे मित्रगण बोले कि हमारा आपका उद्घाटन होना चाहिए, आपका सम्मान होना चाहिए। उसी सिलसिले में हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बड़े लोग और जो हमको आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के प्रभाव से, भगवान भोलेनाथ के प्रभाव से, अपने उनके आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और अभी जो है हम कार्य करने की क्षमता रखते हैं, 5-6 घंटे काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पंडित जी का लंगोटिया यार है और ले जाके बनारसी भाषा बोला, हाँ कहा कि जमुन हम लोगों के वहाँ पर शीश महल में केदार घाट पर करौलन हम भूल नहीं सकी थे और तमाम सब लोगों के देखे नहीं सुनाई पड़ता था, सबके सुनवा देते रहे इनके में वो खासियत हो। बड़े नेक दिल है डॉक्टर के एन मिश्रा, मृदुभाषी है और काशी के वासी, लौकुश जैसे है पुत्रों की जोड़ी, गुणों की खान सुंदरता की राशि, बच्चे है लौकुश पत्नी थी सीता, मन भावन पावन थी गंगा सी, उन्नत की चढ़ते रहे सीढ़ियाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी मिटे सारी उदासी।